था, आई वॉज ऑनर्ड टू सिंग विद हिम. और मुझे लगता है आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, और आर्ट इज फ्री ऑफ बाउंड्रीज एंड सो इज आर म्यूजिक. पाकिस्तान और इंडिया तो सिर्फ नाम है, मैंने तो कभी दो कंट्रीज को अलग माना ही नहीं, क्योंकि यहाँ का म्यूजिक और वहाँ का म्यूजिक, हम शायद बचपन से मेडिसन साहब को, गुलाम अली साहब को और सभी अमानत को हम सुनते हैं. आई एम योर बिगेस्ट फैन आई थिंक. तो यहाँ का म्यूजिक सुन सुनकर बड़े हुए हैं, और आई एम श्योर आप सब भी वहाँ के म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, और आई थिंक ये म्यूजिक ही है जो हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है. बिल्कुल सही. सो जी, क्या शुरू में क्या सुना रही? मैं शुरुआत करूंगी एक बहुत ही खूबसूरत पुराने सॉन्ग्स की, एक एक माला में पिरोया है, मेडले यमन राग में है वो. अरे वाह. और मेरे दिल के बहुत करीब है वो सारे गाने. और जैसे कि थोड़ी देर पहले यहाँ बात भी हो रही थी मेलोडीज का, जो दीपक जी ने भी कहा कि पुराने गानों में धुन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और आज आज जैसे कि म्यूज़िक में रिदम का बहुत बड़ा एक रोल हो गया, साउंड और रिदम का. लेकिन पहले आई थिंक सब चीज़ों का एक मिश्रण होता था, जिससे पुराने गाने आज अमर हैं. सो आई वुड लाइक टू सिंग फ्यू ऑफ दोज क्लासिक मेलोडीज. Mm-hmm.
जिधर का रुख करेगा जो दूसरी गजल है वो है हफीज होशियारपुरी साहब की, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। तेरी महफिल
ना होंगे मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे प्रतिभा। हम चाह रहे थे एक अगर इतनी दूर से आप लोग आए हैं, कुछ हमारे भी फनकार यहाँ पे मौजूद हैं, तो कुछ मिलके अगर we would love to, तो मैं मोहम्मद अली साहब को प्लीज दावत दूं। आप सबकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मोहम्मद अली साहब, और अब तो मजा ही आ जाएगा जब ये दोनों मिलके गाएंगे। सिंगर जनाब शफक साहब, अमानत मेरा छोटा भाई जरूर है लेकिन फनकार बड़ा है, और हकीकत यही है। और मियाँ साहब अपनी मिसाल खुद हैं, इतना बड़ा नाम और जो प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, हम उनके बहुत फैन हैं। थैंक यू सो मच। सच बात है, आपने कहा चलो इसका नाम भी ले लो सबका लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं। और मुझे जो हिंदुस्तान के जो फनकार हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान नाम ही आ रहा लेकिन फनकार तो ये पाकिस्तान के ही हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि इतना अब देखें ना, अभी तक जो गायकी पेश कर रहे हैं ज्यादातर वो पाकिस्तानी ही हैं। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान कोई हम समझते हैं कुछ दो नहीं है, एक ही है। और ये कोशिश आपकी बड़े अरसे से चल रही है मियाँ साहब की, किसको इस प्यार को बढ़ाने की। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से इन तमाम फनकारों का शुक्रगुजार हूँ जो तशरीफ लाए हमारे मुल्क में। और इसका सेहरा हमारे दोस्त हमारे भाई जनाब राजीव अग्रवाल साहब पर जाता है। मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली उनके लिए बजाई जाए।
और एक गजल पेश कर रहे हैं हम, परेशान रात सारी है, वाह वाह वाह, सितारों तुम तो सो जाओ, ये जगजीत जी और चित्रा जी ने गाई है और इसी को पेश करते हैं हम। दीपक भाई, पारस भाई, ये बेमिसाल फनकार हैं, इनका क्या नाम लिया जाए, सब लोग ले रहे हैं, हम तो बस, हम फैन भी हैं, मेरे भाई भी हैं। जवानी साहब और जनाब अयूब भाई, चौधरी साहब,